तो कैसे हो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल श्री राम ऑनलाइन क्लासेस पे। तो प्यारे बच्चों, हम धीरे धीरे केमिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछला जो हमारा वीडियो था, उस वीडियो में हम किसी भी जो द्रव्य है, जो कोई भी पदार्थ है, मैटर है, उसका भौतिक आधार पर वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और आज के क्लास में हम किसी भी द्रव्य, किसी भी मैटर, किसी भी पदार्थ के रासायनिक आधार पर वर्गीकरण को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है द्रव्य का रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। इसको हम इंग्लिश में मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मतलब ये थोड़ा वर्गीकरण है, वो विस्तृत वर्गीकरण है। भौतिक जो वर्गीकरण पढ़ा था वो थोड़ा वर्गीकरण संक्षेप में था। तो वर्गीकृत करते हैं, हमारे पास कोई पदार्थ है, कोई मैटर है, उसको दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला भाग है वो पदार्थ का है, वो शुद्ध है, शुद्ध पदार्थ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्योर। और दूसरा पदार्थ का भाग है वो है अशुद्ध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर। तो शुद्ध और अशुद्ध पता ही आपको है ना। शुद्ध मतलब जिसमें कोई मिलावट ना हो, एक जैसा पदार्थ हो, या मैं कहूं जिसका संगठन एक जैसा हो, है ना। पानी है तो पानी हो, चीनी है तो चीनी हो, है ना, कोई मिलावट उसमें नहीं होनी चाहिए। अशुद्ध या मिक्सचर का मतलब कोई दो पदार्थों को हम मिला दें, या मैं शुद्ध भाषा में कहूं केमिस्ट्री में, जिसका संगठन क्या हो, एक जैसा ना हो, है ना, उसको क्या कहेंगे हम, मिक्सचर कहेंगे। तो शुद्ध और अशुद्ध में कोई पंगा नहीं है, सीधा बेसिक सा मतलब समझेंगे। शुद्ध मतलब जिसका संगठन एक जैसा है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, और अशुद्ध को समझेंगे जिसका संगठन एक जैसा नहीं है, या जिसमें कोई दो या दो से ज्यादा पदार्थ हैं वो हमने मिला दिए हैं। फिर पुनः जो शुद्ध पदार्थ है उनको भी आगे दो भागों में बांटा गया। शुद्ध पदार्थ हैं उनको भी आगे जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है कौन सा, पहला भाग है तत्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। और दूसरा भाग है वो है यौगिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। तो शुद्ध पदार्थों को भी दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। पुनः तत्वों को भी तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो है धातु, अधातु और उपधातु। जो तत्व हैं उनको भी तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक एक करके हम आएंगे कि किसका क्या मतलब है, एक बार सिर्फ मैं चार्ट बना रहा हूं। जो अशुद्ध पदार्थ थे, अशुद्ध पदार्थों को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो कौन कौन से हैं अशुद्ध पदार्थ में, पहला जो भाग है वो है समांगी मिश्रण कह सकते हो आप, है ना, मिक्सचर को हिंदी में मिश्रण कहते हैं, और विष मांगी, ठीक है जी। तो अशुद्ध को दो भागों में वर्गीकृत किया गया, समांगी और विष मांगी। मैं एक बार साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कॉपी में काम करने में थोड़ी आसानी होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये चार्ट, ये क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण आपको अपनी कॉपी में बनाना है। तो आज सबसे पहले मैं शुद्ध पदार्थ की जो पहली कैटेगरी है तत्व, उस तत्व पे बात करने
जा रहा हूँ। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आज हम बात करते हैं कि तत्व या एलिमेंट क्या होते हैं। तो दसवीं क्लास में हम साइंस की बुक में सब जने पढ़ के आए हैं आवर्त सारणी, और आवर्त सारणी में ये तत्व नाम बहुत बार आया था, है ना। आवर्त सारणी में बहुत से तत्व थे, आपने देखे थे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। तो ये तत्व नाम है, उससे हम बहुत ज़्यादा परिचित हैं। इस तत्व नाम को हमने बहुत बार सुना हुआ है। तो तत्व की परिभाषा क्या होती है, सुनिएगा। एक जैसे परमाणु, या आप कह सकते हैं अणु, आपस में मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो पदार्थ क्या कहलाता है, वो पदार्थ कहलाता है तत्व। एक जैसे मतलब हाइड्रोजन के परमाणु हैं तो हाइड्रोजन के ही होने चाहिए, ऑक्सीजन के परमाणु हैं तो ऑक्सीजन के ही होने चाहिए, नाइट्रोजन के परमाणु हैं तो नाइट्रोजन के ही होने चाहिए। तो एक ही प्रकार के परमाणु कह दीजिए या अणु कह दीजिए, आपस में मिल जाए तो वो जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे कुछ तत्वों का नाम आपने सुना होगा, जैसे हाइड्रोजन तत्व का नाम सुना होगा H2 से लिखते हैं, ऑक्सीजन का नाम सुना होगा O2 से लिखते हैं, N2 का नाम सुना होगा, नाइट्रोजन का नाम सुना होगा N2 से लिखते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो हाइड्रोजन के एक तत्व में हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, ऑक्सीजन के तत्व में ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, नाइट्रोजन के तत्व में नाइट्रोजन के दो परमाणु हैं। कुछ तत्वों में दो से ज़्यादा परमाणु भी होते हैं, जैसे फॉस्फोरस को हम P4 से दिखाते हैं तो यहाँ 4 परमाणु हैं, सल्फर को अगर हम दिखाते हैं तो S8 से दिखाते हैं, यहाँ 8 परमाणु आपस में मिल रहे हैं। कुछ तत्वों को एक सिंगल परमाणु से भी निरूपित किया जाता है, जैसे आयरन है तो Fe लिखा जाता है, गोल्ड है तो Au लिखा जाता है, प्लैटिनम है तो Pt लिखा जाता है, सिल्वर है तो Ag लिखा जाता है, जैसे आर्गन है तो Ar लिखा जाता है। तो इस तरह ये सारे के सारे आपके सामने तत्व हैं। कुछ एक ही परमाणु से निरूपित किए जाते हैं, कुछ दो से किए जाते हैं, तो कुछ दो से ज़्यादा भी किए जाते हैं। अगर हम डिटेल में जाएं, थोड़ा सा और समझें कि मेरे पास वो कहे मेरे पास हाइड्रोजन का तत्व है, तो कहने का ये मतलब है इसके अंदर जितने भी परमाणु हैं वो सब एक ही प्रकार के हैं, ये सारे के सारे परमाणु, सारे के सारे कण कैसे होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं, और हाइड्रोजन के परमाणुओं का समूह ही क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का तत्व है वो कहलाता है। ये सारे के सारे आपको क्या नज़र आ रहे हैं, हाइड्रोजन के परमाणुओं ने मिलकर हाइड्रोजन का क्या बना लिया है, तत्व बना लिया है। तो परमाणु छोटी कैटेगरी है, परमाणु तो एक अकेला हाइड्रोजन है, लेकिन तत्व में दो या दो से ज़्यादा परमाणु भी उपस्थित हो सकते हैं। तो परमाणु छोटा स्तर है, जबकि तत्व है वो क्या है, बड़ा स्तर है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने परमाणु तो बता दिया, आपने अणु के बारे में तो कोई बात ही नहीं की। तो देखो प्यारे बच्चों, हम ये देख रहे हैं, यहाँ देखिएगा, ये हमें कहे कि कुछ इस तरह की व्यवस्था है, ये मेरे पास हाइड्रोजन का अणु, अणु मतलब दो हाइड्रोजन एक साथ उपस्थित है, ये दूसरा हाइड्रोजन का अणु, ये
तीसरा हाइड्रोजन का अणु और ये चौथा हाइड्रोजन का अणु। इस तरह बहुत सारे अणु यहाँ हाइड्रोजन के उपस्थित है। पिछली बार समूह बना रहे थे परमाणु, लेकिन अब की बार समूह बना रहे हैं कौन? अणु। तो जरा गौर फरमाइए, यहां भी आपको दिख रहा होगा सारे के सारे कण एक जैसे हैं। क्या हाइड्रोजन के अलावा कोई और है क्या? अणु किससे मिलके बना है? परमाणुओं से। तो यहां सारे कण एक जैसे हैं, यहां भी सारे कण एक जैसे है, बस फर्क इतना था यहां परमाणुओं का समूह था और यहां क्या है? अणुओं का समूह है। तो हाइड्रोजन जो तत्व है, यहां हाइड्रोजन का जो अणु है, हाइड्रोजन का जो अणु है वो बना रहा है क्या? हाइड्रोजन का तत्व। पिछली बार कौन बना रहा था? हाइड्रोजन का परमाणु क्या बना रहा था? हाइड्रोजन का तत्व बना रहा था। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम शायद नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे अकेला हाइड्रोजन लिखा है, अकेला एच तत्व लिखा है, मतलब अकेले हाइड्रोजन के परमाणु हैं वो आपस में मिलकर हाइड्रोजन का तत्व बना रहे हैं। और लिखा है H2 तत्व, मतलब हाइड्रोजन के अणु आपस में समूहित होकर क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन का तत्व बना रहे हैं। तो एक लास्ट और फाइनल जो बात हमें समझ में आती है, उसको हम एक शब्द में समाकलित कर सकते हैं कि एक जैसे कणों का समूह क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। वो कण हो सकता है परमाणु हो, और वो कण हो सकता है क्या हो? अणु हो। और इस अणु को हम एक विशिष्ट नाम भी देते हैं, वो विशिष्ट नाम है, इंग्लिश में याद करेंगे आप, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल को हिंदी में कहते हैं अणु, ऑफ मतलब का, एलिमेंट मतलब तत्व, तत्व का अणु मतलब ऐसा अणु जो किसका निर्माण करता हो? तत्व का निर्माण करता हो। एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे मैं अणुओं के तीन प्रकार लिख रहा हूं, जैसे यहां दो परमाणु थे AA, इन दोनों ने मिलकर ये अणु बना लिया। फिर दो परमाणु थे, एक परमाणु था ए और एक परमाणु था बी, ये दोनों आपस में मिल गए तो इन्होंने एक अणु बना लिया। और फिर तीसरे प्रकार का लिख रहा हूँ, एक परमाणु था बी और दूसरा परमाणु था बी, ये दोनों भी मिल गए तो इन्होंने भी अपना अणु बना लिया। यहाँ दोनों परमाणु एक जैसे हैं, इसको हम अपनी भाषा में याद रखते हैं अपना अपना प्रकार का अणु। यहां दोनों परमाणु अलग अलग हैं, इसको हम याद रखते हैं अपना पराया प्रकार का अणु। और ये भी दोनों परमाणु एक जैसे हैं तो अपना अपना प्रकार का अणु। तो अगर हमें इन तीनों में से देखना हो कौन तत्व बना पाएगा, तो पहला और तीसरा तत्व बना पाएगा, जबकि दूसरे से हम तत्व नहीं बना पाएंगे। अपना अपना मतलब एक जैसे, अपना अपना मतलब एक जैसे कण, लेकिन अपना पराया में क्या हो गए? कण अलग अलग हो गए। और हमने कहा है तत्व क्या होता है? एक जैसे कणों का समूह होता है। तो बीच वाला जो अणु है वो तत्व का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास शुद्ध पदार्थ की पहली कैटेगरी, हमने तत्व पढ़ ली। आगे आने वाले वीडियो में हम इससे आगे की तरफ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।